अब हम लोग स्टूडेंट्स बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सलेशन की क्योंकि इसका ताल्लुक भी सर्कुलर मोशन से है तो आइए देखते हैं कि ये फोर्सेस और ये क्या होती हैं सबसे पहले डेफिनेशन को देखेंगे द द फोर्स बॉडी टू मूव इन अ सर्कल ऐसी फोर्स जो एक बॉडी को सर्कुलर घुमा रही होती है स्टूडेंट्स उसकी वजह से बॉडी सर्कुलर मोशन करती है उस फोर्स को क्या नाम दिया गया स्टूडेंट्स सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज एफ सीज इक्वल टू एम बी स्क्र अवर

सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को कैसे लिखेंगे fc ma c ac हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स एंगुलर एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन व्हिच इज इक्वल टू mv2 ओवर r ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की, की इक्वेशन के इक्वल ही होगा क्योंकि mv2 ओवर r है इसके बाद एक प्रूफ देखते हैं स्टूडेंट्स उस प्रूफ से हम लोग फाइंड करेंगे कि कैसे हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो आपस में इक्वल है कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास एम मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर एक बॉडी है जिसका मास एम है वो एक सर्कल के अराउंड मूव कर रही है जिसका रेडियस है आर स्पीड क्या है उसकी वी सी इज सेंटर ऑफ सर्कल हम लोग कहते हैं कि जो सी है उसका सेंटर है सर्कल का एट पॉइंट ए क्या होगा पॉइंट ए के ऊपर हमारे पास टाइम टी सबसे पहले जो टाइम होगा हमारे पास उस इंटरवल के ऊपर वो क्या है टी वन वी ऑफ बॉडी इज वी एंड एट पॉइंट बी टाइम टी टू हमारे पास सबसे पहले क्या होगा ए पॉइंट के ऊपर टाइम टी वन होगा वी होगी और पॉइंट बी के ऊपर टाइम क्या होगा टी टू सो वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज बी डैश तो यहां पर पॉइंट बी के ऊपर जो विलासिटी होगी वो वी डैश होगी लेट अस नाउ ड्रॉ ट्राइंगल A B and C हम लोग क्या करेंगे एक ट्राइंगल कर लेते हैं, जिसको हम लोगों ने नाम दे दिया हर पॉइंट को एंड सी डैश सच दी डैश इज इक्वल एंड पैरल टू वी आप देख सकते हैं जो आपके पास ट्राइंगल है डायग्राम में उसमें क्या है स्टूडेंट्स? ए डैश एंड बी डैश इज इक्वल एंड पैरल टू वी ये जो हम आपके पास डायग्राम में ए डैश और बी डैश है ये एंड एज इक्वल स्पीड यूनिफॉर्म है तो हमारे पास जो स्पीड होगी स्टूडेंट वो क्या होगी वी डैश इज इक्वल टू वी इन मैग्नीच्यूड बट द डिफरेंट डायरेक्शन मैग्नीच्यूड में इक्वल होंगे लेकिन डायरेक्शन इनकी चेंज होगी बाय वेक्टर डायग्राम वेक्टर डायग्राम को देखते हुए वे जो वेलोसिटीज है हमारे पास क्या होंगी स्टूडेंट्स डेल्टा वी इज इक्वल टू वी डैश माइनस वी वी डैश माइनस वी ये हमारे पास वेक्टर डायग्राम को देखने के बाद जो वेलोसिटी है चेंज इन वेलोसिटी वो क्या है वी डैश माइनस वी इज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ बॉडी इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी जैसे जैसे हमारे पास वेलोसिटी चेंज होंगी टाइम इंटरवल भी वैसे ही वेरी करेगा सो डेल्टा टी इज इक्वल टू टी टू माइनस टी वन वेन टाइम डेल्टा टी इज स्मॉल अगर हम लोग डेल्टा टी यानी टाइम इंटरवल को वो स्मॉल कर लेते हैं डेल्टा वी इज ऑल्सो स्मॉल भी हमारे पास क्या हो जाएगी कम हो जाएगी इन दैट केस आर्क ए बी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कॉर्ड ए बी तो हमारे पास जो आर्क है वो कम होता होता एक कॉड में चेंज हो जाएगा यानी कि बिल्कुल ही छोटा सा आर्क ऑन कम्पेरिजन वी सी दैट ट्राइंगल ए सी बी जो हमारे पास ट्राइंगल बन रही है ए सी बी एंड ट्राइंगल ए डैश सी डैश एंड बी डैश आर सो आर सिमिलर ये हैं है आइसोसलिस जिनकी दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं तो आपस में ये क्या है दोनों स्टूडेंट्स सिमिलर सो ज्योमेट्रिकली अगर हम लोग इस ज्योमेट्री को देखें तो हमारे पास क्या है आर्क ए बी डिवाइडेड बाय आर्क ए सी विच इज इक्वल टू बी डैश सी डैश डिवाइडेड बाई एंड बी डैश ये हम लोगों ने दोनों ट्राइंगल्स को जो जो साइड आपस में इक्वल होती है उनकी रेशियोस को आपस में इक्वल कर दी हम देखते हैं कि इनको अल्टरनेटिव जो नेम्स दिए गए हैं वो क्या है आर्क ए भी हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स एस ए सी हमारे पास क्या है आर जो कि रेडियस है और बी डैश और सी डैश किसके है, के, जो कि हम लोग डायग्राम में इजीली देख सकते हैं डिवाइडेड बाय ए डैश बी के अब हम लोग कुछ कंडीशन को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स वो कंडीशन हमारे पास क्या होंगे आइए देखते हैं इसके लिए जो कंडीशन बनेगी हमारे पास स्टूडेंट्स वो क्या होगी वेन थीटा इज वेरी स्मॉल थीटा क्या हो जाएगा स्मॉल थीटा इज वेरी स्मॉल और व्हेन डेल्टा टी इज इक्वल टू टी टू माइनस टी वन और डेल्टा टी इज इक्वल टू टी टू माइनस टी वन ये कंडीशन है हमारे पास इज वेरी स्मॉल यानी के जो टाइम इंटरवल है वो भी हमारे पास स्मॉल हो जाए टाइम इंटरवल स्मॉल हो जाए या हमारे पास एंगल स्मॉल हो जाए पॉइंट बी विल बी नियर टू पॉइंट ए तो पॉइंट बी जो के एक दूसरे से डिस्टेंस के ऊपर है वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे पॉइंट बी विल बी वेरी नियर टू पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट ए के करीब आ जाएगा एंड Then, फिर क्या होगा हमारे पास एस इज इक्वल टू वी डेल्टा टी अगर हम लोग क्या करें एंगुलर को 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 या एंगुलर को कम करना चाहे किसी इंस्टेंट के ऊपर तो वो कम होते होते एक दूसरे के करीब आ जाएंगे जैसे कि हम लोगों ने देखा दोनों पॉइंट्स आपस में इक्वल आ जाएंगे तो इसके साथ साथ क्या होगा डिस्प्लेसमेंट लीनियर हो जाएगा और वेलोसिटी वो टाइम इंटरवल भी हमारे पास क्या हो जाएंगे स्मॉल होते होते लीनियरली इक्वल हो जाएंगे देन द अबव इक्वेशन बिकम्स सो अबव इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास अबव इक्वेशन बिकम्स कौन सी इक्वेशन स्टूडेंट्स जिसमें हम लोगों ने आर्क्स की वैल्यूज को पुट किया था एस अवर आर इज इक्वल टू डेल्टा वी अवर बी इस इक्वेशन को हम लोग चेंज करके देखते हैं क्या बनता है हमारे पास v delta t divided by r is equal to delta v over v ये हमारे पास इक्वेशन थी जहां पर हम लोगों ने s की जगह v delta t को पुट कर दिया अगर हमारे पास टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल हो प्रोवाइडेड डेल्टा टी इज वेरी वेरी स्मॉल लिख लेते हैं साथ डेल्टा टी वेरी स्मॉल तब हमारे पास ये कंडीशन स्टूडेंट सेटिस्फाई करती है और हम लोग इसको लिख सकते हैं डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी विच इज इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर आर सिंस इसको हम लोगों ने चेंज कर लिया डेल्टा वाली वैल्यूज को एक जगह पे लिखा अरेंज करके हम लोगों ने इक्वेशन को अब हम लोग क्या करेंगे फर्दर सॉल्व करेंगे इक्वेशन को देखते हैं इक्वेशन क्या बनती है फॉर इंस्टेंट वैल्यूज लिमिट टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वी अवर

Instantaneous acceleration which is equal to v square r एक्सेलेशन विच इज इक्वल टू वी acceleration also इज centripetal acceleration इसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलेशन का नाम भी देते हैं दस हमारे पास क्या बनेगी फिर

क्या चीज है रेडियस जो किस तरफ डायरेक्ट कर रहा है उस सर्कुलर मोशन की जो पॉइंट सी है या फिर जो हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसकी डायरेक्शन की तरफ वी सी दैट ए सी एंड आर आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड हम लोग देखते हैं कि एक्सेलरेशन और जो रेडियस है वो एक दूसरे के टोटली ऑपोजिट डायरेक्शन है तो हम लोग क्या लिख लेंगे ए सी एंड आर आर टोटलीट totally इससे हमें पता चला कि एक्सेलरेशन और रेडियस की डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है सो so, हम लोग लिख सकते हैं अगर हमारे पास डायरेक्शन अपोजिट हो ए सी हमने देखा कि एक्सेलरेशन और रेडियस की आपस में जो डायरेक्शंस है वो चेंज है ऑपोजिट है सो so, हम लोग उसके लिए क्या यूज करेंगे नेगेटिव का साइन इन टू वी तो हमारे पास ये किस में चेंज हो जाता है आर स्कर में और जो वैल्यूज है वो आपस में कुछ कैंसिल होने के बाद जो हमारे पास एक्चुअल रेडियस है वो भी आर स्क्र में चेंज हो जाएगा यूजिंग द प्रीवियस आर्टिकल टू आर ओमेगा

ओमेगा स्क्वेयर के इनटू आर साथ हमारे पास क्या आ जाएगा आर जो कि यूनिट वेक्टर है अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ सी इज इक्वल टू एम ए सी यहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे सेकंड लॉ सेकंड लॉ क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स एफ सी इज इक्वल टू एम ए सी फॉर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन FC stand for, force. और FC हमारे पास क्या पुट कर करेंगे स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि ए सी किसके है आर के जो की हम लोगों ने फाइंड किया सो एफ सी विल बीवल टू एम वी स्क्र ओवर आर

जब हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करते हैं स्टूडेंट्स, तो यूनिट वेक्टर से में चेंज होता है और आर के साथ क्या आ जाता है एक so, सो इसके, इसके बाद हम लोग इसको मजीद सॉल्व करते हैं तो क्या होगा हमारे पास ये जो वी ओवर आर स्क्वेर है इसको हम लोग लिख लेंगे स्टूडेंट्स ओमेगा स्क्र जो के

जो कि इनवर्ड्स की तरफ उसको पुल करता है और उसको सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करने के लिए उसको रोक के रखता है बॉल भी रिएक्ट करती है और इक्वल फोर्स किसकी तरफ भेज रही होती है स्टूडेंट्स? हैंड की तरफ। जैसे हम लोग एक्शन फोर्स अपने हैंड से बॉल की तरफ सेंड कर रहे होते हैं उसी तरह बॉल भी रिएक्शन फोर्स क्या कर रही होती है हैंड की तरफ उसको रिजिस्ट करने के लिए सेंड कर रही है ठीक है दिस आउटपुट फोर्स ऑन आवर हैंड इज नाउन एज सेंट्रिफ्यूगल फोर्स इसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स सेंट्रिफ्यूगल फोर्स विच इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर आवर आर